नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नया वीडियो के साथ मैं हूं देवाशीष और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डीपी गार्डनिंग में आप लोग को स्वागत है। दोस्तों जुकिनी एक ऐसा फल है वो दिखने में बहुत प्यारा है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। उसको कैसे उगाया जाता है आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ। पौधे को लगाने के लिए सबसे पहले आपको अच्छी किस्म की मिट्टी तैयार कर लेना चाहिए, जिसमें होगा 30% गोबर का खाद या वर्मी कंपोस्ट, 60% रहेगा मिट्टी, 10% रहेगा इसमें कोकोपीट, साथ में थोड़ा फंगिसाइड भी मिलाना है। हो सके तो इसमें थोड़ा गार्डनिंग सॉइल भी आप मिला सकते हैं। फिर आपको दोनों हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, जिस तरह से मैं मिक्स कर रहा हूँ। मिक्स करने के बाद देखिए ये मिट्टी कितना भुरभुरी हो गया है, ऐसा ही मिट्टी होना चाहिए। फिर ये वाला गमले में मैं भर लेता हूँ। भरने से पहले इसका नीचे कुछ छेद भी किया हुआ है ताकि एक्स्ट्रा पानी इसका नीचे से निकल जाए। अभी ये वाला प्लांट को मैं इसमें लगा देता हूँ। मैंने इसका बीज ऑनलाइन से खरीदा था, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था और 4 बीज आया था 120 रुपये का, लेकिन उसमें से 1 बीज जर्मिनेट हुआ है और 3 नहीं हुआ है। लगता है शायद बीज अच्छी क्वालिटी का नहीं था या बीज पुराना था, नहीं तो पूरा का पूरा सारे बीज जर्मिनेट हो जाता। हालांकि हमारा यहाँ इसका बीज नहीं मिलता है, मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। ये अभी लगाते हुए 15 हो गया है। 15 के बाद इसके नीचे मैं थोड़ा गोबर का खाद दे देता हूँ। आप वर्मी कंपोस्ट, किचन कंपोस्ट, सरसों का खली, ये सब भी आप डाल सकते हैं। अभी ये अच्छी तरह से ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है। अगर ग्रोथ ठीक ठाक से नहीं होगा तो इसमें फल आने में दिक्कत होगा। एक प्लांट से ज़्यादा प्लांट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ज़्यादा प्लांट रहता है तो पॉलिनेशन ठीक ठाक होता है, इसीलिए आप ज़्यादा प्लांट लगाने का कोशिश कीजिए। जब से लगाया हूँ तब से लेकर के ये करीब करीब 1 का प्लांट हो गया है। इसको सहारा देने के लिए बम्बू का लकड़ी इसमें डाल देता हूँ ताकि ये नीचे गिर ना जाए। ये ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, करीब करीब 1.5-2 तक इसका हाइट होता है, उसमें ये अच्छी तरह से फल दे देता है। हर 15 के अंदर अंदर इसका नीचे थोड़ा थोड़ा आपको खाद पानी डालना है। अभी तक ये 1.5 का प्लांट हो गया है। इसका नीचे मैं थोड़ा सरसों का खली इसको सड़ा के रखा था, इसको डाल देता हूँ। सरसों का खली मैंने पानी में भिगो कर रखा था, 20 पहले इसको भिगो कर रखा था। अभी उसी पानी को मैं इसका नीचे डाल दिया हूँ। अभी देखिए इसमें फूल भी आना शुरू हो गया है। फिलहाल ये मेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर नहीं है, लेकिन धीरे धीरे इसमें फीमेल फ्लावर भी आ जाएगा। अभी ये 60 का हो गया है, अभी इसमें फल भी लगा हुआ है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। देखिए ऑलरेडी इसमें 2 फल लगा हुआ है और भी छोटा छोटा फल इसमें दिखाई दे रहा है। हमारा उड़ीसा में इसका खेती नहीं होता है, इसलिए इसका बारे में मेरे को ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है। फिर भी जितना मेरे को जानकारी था मैं आप लोग को बता दिया हूँ। अगर आप में से किसी को इसका बारे में जानकारी है तो कमेंट करके मेरे को ज़रूर बता दीजिएगा। मेरा ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी आप ऑन कर लीजिएगा, नया वीडियो का जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।